Come on, man. अब तो तुझे खुश होना चाहिए. होना चाहिए पर हूँ नहीं. यार, देख विकी, जो बात हो गई सो हो गई. अब उसे सोच के कोई फायदा नहीं. मुझे भी ऐसे ही लगता है. विकी, तू तो जानता ही है, आशु, सोनल, रितु, सब लवलीन से बात करने के लिए तैयार है. वो लोग उससे माफी मांगने के लिए भी तैयार है. वो नहीं मानेगी. मैं उसे जानता हूँ अनुभव. पिछले दिनों से सोच रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग के बाद उसे फोन कर लूँ, शायद खुश हो जाए. तो अभी क्या प्रॉब्लम है? अब तो रिकॉर्डिंग भी हो गई है. अब सब कुछ बिगड़ गया है. मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज फिनिश्ड. पहले मैं सोच रहा था कि अपनी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस रिकॉर्डिंग में डाल दूं, पर अब तो सोचता हूं कि नाउ चेयर अप यार, मैं घर जा रहा हूं. यार, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है. तुम लोग कुछ करो ना. क्या मुझे लवलीन से बात करनी चाहिए? हाँ? ओए, ऐसा कुछ मत करना. पहले तो हमें विकी का मूड ठीक करना होगा. पर कैसे? He's so upset. क्यों ना हम उसे एक सरप्राइज दे दे, लाइक अ सरप्राइज पार्टी टुनाइट. पार्टी तो रख लेंगे, पर उसके लिए पहले विकी को मना के लाना होगा. वो तो तुम करोगे. हाँ? उसके बाद हम सब संभाल लेंगे. तुम लोग सब संभाल लोगे ना? हाँ? तुम कुछ करो ना प्लीज. Well, अगर आप लोग मुझे इतना फोर्स कर रहे हो तो we'll give it a shot. वैसे भी विकी मेरी बात नहीं डालेगा. फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? Don't worry आशु, everything will be fine. यार तू बस विकी को फोन कर, उसका मूड ठीक कर यार. पास द फोन नंबर डायल करके दो प्लीज. तू डायल करना.